फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। आज के वीडियो का विषय है केवल हार्वेस्टिंग। चलो शुरू करते हैं हार्वेस्टिंग। मेरे गार्डन में देखिए कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी चिड़िया आने लगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोबिया का हार्वेस्टिंग। ये देखिए बीज के लिए छोड़ दिया, ये पक गई है तो इसको हमने बीज के लिए छोड़ दिया है। अभी बरसात होगी तब इसको निकाल के दे देंगे। देखिए मैंने लोबिया की हार्वेस्टिंग कर ली है और आज बहुत हार्वेस्टिंग करने को है, लेकिन क्या एक साथ तो सब कर नहीं सकते ना बन सकता है, इसलिए कुछ चीज़ों की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो देखिए ये एक टाइम के बनने के लिए कितनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जी। तो आज रात में दिल्ली में बहुत आंधी तूफान आया और मेरे काफ़ी पेड़ नुकसान हो गए। अब ये हमारा कद्दू की बेल भी वजन की वजह से हवा में टूट गई, तो आज इस कद्दू की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा कद्दू। तो देखिए प्याज की हार्वेस्टिंग तो हम कई बार कर चुके हैं और ये लास्ट प्याज मेरा बचा है, इसकी आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि अब इसमें हम कुछ और डालेंगे। बचा हुआ प्याज हम उखाड़ ले रहे हैं। तो देखिए इस सीजन का ये लास्ट प्याज हार्वेस्टिंग है, क्योंकि प्याज तो इस साल बहुत हमारे हुआ है, उनने कई बार दो दो चार चार किलो निकाला, ये थोड़ा सा था वो आज कर लिया। तो देखिए मेरी ये लौकी भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, लेकिन आज मैं इनको करूंगी नहीं, बहुत सब्जी काट हो गई है, अभी फ्रेश कल या परसों करूँगी। तो पालक भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार खड़ी है और एक नहीं कई क्यारियाँ हैं पालक की, सारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार खड़ी हैं और चौलाई भी बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो चलिए ये छोटे टब में पालक जो है वो काटे ले रहे हैं, क्योंकि बढ़ रही है और इसको हम काटेंगे नहीं तो कड़ी हो जाएगी। और आज पालक का सूप बच्चों को बना के पिलाएंगे।
बहुत सारी पालक है यहाँ पर मेरे पास में। इस गर्मी में भी इस बार इतनी अच्छी पालक हुई है कि हम डेली काटते हैं लगभग। थोड़ा सा पुदीना की भी हार्वेस्टिंग करेंगे और इसका करना जरूरी भी है। अगर ये ट्विनिंग नहीं करेंगे तो ये बढ़ता नहीं, अच्छे से फैलेगा नहीं, तो चटनी भी बन जाएगी और इसकी ट्विनिंग भी हो जाएगी। देखिए ये पुदीना काट लिया मैंने और इसकी क्या खुशबू उड़ रही है इस समय। ये देखिए करेला, इनकी भी हार्वेस्टिंग किए ले रहे हैं। दोस्तों कैसे लगा आपको मेरी दादी माँ का नया वीडियो? होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।